हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक क्लास बाय कनिष्का। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स पढ़ाऊंगी। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, आप लोग बुक ओपन कर लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये रहा पॉलीनोमियल्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। अ पॉलीनोमियल इज़ वन वेरिएबल एक्स, यानी कि एक वेरिएबल इसमें एक्स होता है, इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, पॉलीनोमियल में हम एक्स को रिप्रेजेंटेशन करके शो करते हैं। ठीक है, पॉलीनोमियल्स है, आप ये देखिए, एक्स आया इसमें, ये एक्स आया, और ये मतलब जो भी चीज़ें इसमें वैल्यूज़ है, कितनी है, 1, मतलब माइनस या प्लस से पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो खाली नंबर लिखे हैं, चाहे वो एक्स के साथ लिखे हैं, वो सभी चीज़ें क्या हो गई, टर्म्स हो गई। ठीक है, और ये सब जो आपको एक्स की पावर 3 दे रखी है, एक्स की पावर 2, पावर मस्ट बी इन होल नंबर, होल नंबर में हो गया तो 0, 1, 2, 3 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये पावर किस में दे दी, होल नंबर में, तो ये सब क्या है, पावर्स है। 3 और 2 दे रखा है एक्स की पावर में, तो ये होगी पावर। ठीक है, नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट, यानी कि जो नंबर किसी भी टर्म के आगे आ रहा है वो क्या है, कोफिशिएंट। अब मैं बोलूँ आपसे, एक्स की क्यूब का क्या कोफिशिएंट है, 1, कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है। मैं बोलूँ 2 की स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, 2, तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझ लो। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, अ पॉलीनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म ओनली, जिसके अंदर ओनली कितनी टर्म होगी, 1 टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जिसमें कॉन्स्टेंट होंगे, यानी कि नंबर, जैसे कि -6, 4, 2/3, -3/4 एक्सेट्रा। जनरली ईच रियल नंबर इज ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हैं। नाउ गो थ्रू करते हैं 0 पॉलीनोमियल पे। अ पॉलीनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म, जिसके अंदर 1 टर्म होगी, ठीक है, नेमली 0 ओनली, जिसके अंदर 0 होगा, इज कॉल्ड अ 0 पॉलीनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स का इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, वो 0 पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल 0x ले लेते हैं, कई बार कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में, मतलब 0 ही आना है जिसका। ठीक है, नाउ मोनोमियल पॉलीनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसके अंदर 1 टर्म हो, 1 टर्म, ठीक है, आर कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है, 1, मोनो का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, जैसे मैंने म्यू ले लिया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, 4 पावर कितनी है, 43, 7/3 एक्स जेड दे दो। ठीक है, आप बेशक इसमें मतलब कुछ भी नंबर हो, मतलब 1 टर्म आ रही है, एक्स आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है, एक्स ले लो। -2x आर ऑल मोनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिन बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स क्या होता है, 2। पॉलिनियम पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। ठीक है, जैसे कि x² + x, 2 वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, x/30 + √2, ये सब आपको एग्जांपल्स दे रखे। ठीक है, नाउ ट्राइनोमियल पॉलीनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, ट्राई मीन्स 3, ओके, ट्राई मीन्स 3 हो जाएगा, तो 3 टर्म, या आपके एग्जांपल्स हो गए जिसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, प्लस में जो 3 टर्म्स करके आएंगे वो चाहे कैसे भी आएंगे। ठीक है, 3 टर्म्स देख लीजिएगा आप। नाउ द डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, डिग्री में हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर आ रही है। ठीक है, जैसे कि 1 वेरिएबल वाले होते हैं और 2 वेरिएबल वाले होते हैं। 1 वेरिएबल किसे बोलते हैं, इन केस ऑफ पॉलीनोमियल इन 1 वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, जैसे कि √2 माइनस में वाई की क्यूब प्लस में वाई की पावर 5 प्लस 2y की पावर 6 इज ए पॉलीनोमियल इन वाई ऑफ डिग्री 6। क्यों हमने इसकी डिग्री 6 ली, हाईएस्ट पावर। अब आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वाई दे रहे हैं, वाई की पावर क्यूब भी है, वाई की पावर 5 भी है और वाई की पावर 6 भी है,
हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर इज डिग्री। तो 6 जो आ गए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डिग्री, ठीक है 6 हो गया। अब यहाँ पे 6x प्लस रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, x की पावर क्या है कुछ नहीं है जिसके आगे उसका नाम 1 है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब नाउ गाइस देखते हैं इन अ 2 वेरिएबल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाइएस्ट सम ऑल्सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, 3x³ - 7x² y² + 8, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, प्लस में 8 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री। अब डिग्री कितनी हो जाएगी, क्या आ रहा है आपका x और y, जहाँ पे x और y है इन दोनों को ऐड कर दिया, x की पावर कितनी है 2 और y की पावर कितनी है 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8a² - 4ab, ए बी में देखो आप दो वेरिएबल्स तो आ रहे हैं लेकिन ये आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर, दोनों को ऐड करके बतानी है, ठीक है। तो ए की पावर कितनी दे रखी है 8 और बी की पावर कितनी है 1, 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया, तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे 9 आ गई, ओके। नाउ सी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं हेयर, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल बिलो, इन सब के आपको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है, क्या दे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट x की पावर 5 - x² + 3, तो डिग्री हाईएस्ट पावर देख के बतानी है आपको, ठीक है। x की पावर हाईएस्ट कितनी है 5, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 5 होगी, ठीक है। अब 2 - y² - y³ + 2 की पावर 8 दे रखा है, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 8, आपको हाईएस्ट देखकर बतानी, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी 8, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली आपको नंबर दे दिया, क्या दे दिया आपको, ओनली नंबर 2 दे दिया, 2 अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो x की पावर 0, मैंने आपको हमेशा बताया है x की पावर अगर आपको 0 दे रखा होता है 1 होता है, कहीं पे भी 2 की पावर 0 दे रखी हो तो कितना हो जाएगा आपको 1 लेना है, 3 की पावर 0 कोई भी नंबर हो तो 1 लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ x की पावर 1 तो x आएगा, अगर मैं बोलती हूँ 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 3 की पावर 1 तो 1 आएगा, 3 आएगा, तब आते हैं ऐसे नंबर, अदरवाइज कुछ नहीं है तो x की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो x की कितनी होगी डिग्री 0 हो गई, ठीक है। नाउ कम एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है गाइस, अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? अब इसमें बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं है polynomial. State reason for your answer. आपको polynomial होने या ना होने के दोनों के आपको reasons यहाँ पे बताने पड़ेंगे, ठीक है। Now, answer number 1. First point में आपको दे रखा है 4x² - 3x + y. वन वेरिएबल है यहाँ पे, कितना वेरिएबल है, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कैसे इन्वॉल्व मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे x ही तो आ रहे हैं, ये थोड़ा ना y भी है, z भी है, a है, b है, और कोई आपके अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, ओनली x है, तो वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन अ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि x इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है आपको, y² + √2, y द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे आपको y दे रख रखा है ना, ओनली y है, x तो नहीं है ना, सिर्फ y है आपको, तो यहाँ पे क्या लेंगे, y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड पावर ऑफ y क्या है, पावर 2, यानी कि 2 क्या है, एक होल नंबर है, जो नंबर 0 से मतलब इन्फिनिटी तक आते हैं, सो 1, 2, 3, 4, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। तो y² + √2 इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, होल नंबर आएंगे जिनमें वो आपके हो जाते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, 3√t + √2 दे रखा है आपको, तो इसको रूट टी को कैसे मैं लिख सकती हूँ, टी की पावर 1/2 लिख सकती हूँ मैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और रूट को रूट टू को मैंने आगे लिख दिया और टी पीछे आ गया, ठीक है। टी इज़ द ओनली वेरिएबल एंड पावर ऑफ टी इज़ नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज़ नॉट होल नंबर, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो
थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल। आपको चेक करना है कि होल नंबर होगा या नहीं होगा, तभी आप ये जस्टिफाई करेंगे कि वो पॉलीनोमियल होगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं वाई प्लस टू अपॉन में वाई। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वाई प्लस में टू वाई की पावर माइनस वन, एंड वाई इज़ द ओनली वेरिएबल। वाई है आपको ओनली वेरिएबल है, एक्स तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, ओनली वाई है। एंड पावर ऑफ वाई इज़ नॉट ए होल नंबर, माइनस वन इज़ नॉट ए होल नंबर। ओके, तो y प्लस में टू वाई इज़ द पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल सॉरी इन अ वन वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ओके गाइस, नाउ फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। x y t आर दी वेरिएबल्स, ये आपको यही वेरिएबल्स दिख रखे हैं, ठीक है। एंड पावर क्या दे रखी है, 10 है, 3 है और 50 है, ठीक है। और ये सब क्या है, नंबर्स हैं, तो ये सारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए, ठीक है। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके गाइज, नाउ कम क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रखा है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच टर्म। आपको ये दे रखे हैं, सब पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x के स्क्वायर में, जो उसके नंबर के साथ आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, टू प्लस में x के स्क्वायर प्लस में x, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो वन, तो इसका कॉफिशियंट कितना होगा, वन। सेकेंड पॉइंट, टू माइनस में एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स की क्यूब, कॉफिशियंट क्या है, आप माइनस वन लेंगे यहाँ पे, कॉफिशियंट कुछ नहीं तो वन है, तो यहाँ पे माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स दे रखा है, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाय टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर के क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई बाय टू आ रहा है, तो यहाँ पे पाई बाय टू आ गया, ठीक है। तो रूट टू एक्स माइनस वन, अब यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑब्वियसली बात है जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जीरो। नाउ कम आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, पावर मतलब 35 हो, और मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दे रखी है आपको, 100। ओके, नाउ आंसर नंबर थ्री पे आते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जिसकी डिग्री आपको 35 दे रही है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3x की पावर 35 प्लस 5, मोनोमियल ले लिया डिग्री 100, 4x की पावर 100, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें आपको डिग्री लिखनी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, आई होप मिलेंगे। आंसर नंबर फोर्थ, फर्स्ट पॉइंट है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब आपको क्या निकालना है, इसमें डिग्री निकालनी, तो आप सबसे डिग्री निकाल, डिग्री के लिए आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है आपको, हाईएस्ट पावर, सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। x जो भी आपको वेरिएबल दे रखे हैं उसके हाईएस्ट पावर देखिए। अब यहाँ पे सब में ही x आ रहा है, तो इसकी वेरिएबल कितने होंगे, मतलब पावर क्या होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 हो गया, तो इसमें हाईएस्ट क्या होगी, 3, ठीक है। 4 माइनस वाई स्क्वायर, पावर ऑफ वेरिएबल y इज 2 हो गया, क्योंकि y की पावर 2 ही है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, 2 ही होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है 5t माइनस में रूट 7, पावर ऑफ वेरिएबल t की क्या है, t की पावर कुछ नहीं तो 1 हो गई ना यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ द क्या होगी इस पॉइंट की, 1 हो गई, ठीक है। 3 है, मैंने आपको अभी बताया था, जिसकी कुछ नहीं दे रखा, वेरिएबल है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं, एक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको इसमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको फर्स्ट जो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, पहले तो आप वो देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री से हम डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा या फिर लीनियर होगा। तो जिसकी डिग्री 2 आ गई वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब आप इसमें डिग्री देखो, डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 हो गई, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हो डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो इसकी डिग्री 2 होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। ओके गाइस, नाउ फोर्थ पॉइंट पे 1 प्लस में एक्स, द डिग्री इज 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल।
अब यहाँ पे 3T दे रखा है, तो टी की क्या है हाईएस्ट पावर, 1 है, तो 3T इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। आर स्क्वायर है, 2R रखा है, तो क्या हो गया, इसकी डिग्री 2 हो गई और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x की क्यूब, डिग्री इज 3 हो गई, तो 7x की क्यूब इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।